नगर निगम की पार्किंग का व्यापार मंडल ने विरोध किया है। व्यापारियों ने कहा कि यहां पर पार्किंग शुल्क अधिक लिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पार्किंग स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी के नेतृत्व में व्यापारी एकत्र होकर जेल रोड स्थित नगर निगम द्वारा बनाई गई नई पार्किंग पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रभात साहनी ने कहा कि नगर निगम पार्किंग स्थल पर दिल्ली के पार्किंग स्थल के जैसे वसूली कर रहा है, लेकिन क्या काशीपुर का पार्किंग स्थल दिल्ली के पार्किंग स्थल जैसा है? खुली जगह पर पार्किंग का ठेका देकर 200 रुपये वसूला जाना गलत है। कोई भी व्यापारी 200 रुपये प्रतिदिन पार्किंग के लिए नहीं दे सकता। यहाँ पर पार्किंग अभी तक निःशुल्क थी, जिससे व्यापारियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग भी अपना वाहन खड़ा करते थे। अब यहाँ नगर निगम ने पार्किंग पर अत्यधिक शुल्क लगा दिया है, जिससे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, जिसका व्यापार मंडल विरोध करता है। प्रभात साहनी ने कहा कि अगर नगर निगम को पार्किंग शुल्क लेना ही है तो वो शुल्क 10 से 20 रुपए ही होना चाहिए, ना कि 200 रुपए। नगर निगम चाहता है कि काशीपुर को दिल्ली बनाना, दिल्ली के रेटों से पार्किंग का यहाँ ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ दिल्ली तो बना दी जाए, तभी तो पार्किंग के रेट दिल्ली जैसे करे जाएंगे। एक खुली जगह पर पार्किंग का ठेका देके 200 रुपये प्रतिदिन देने का कहाँ औचित्य बनता है? जो पार्किंग पिछले 1.5 या 2 साल से लगभग निःशुल्क थी, उस पार्किंग को एकदम से 200 रुपये प्रतिदिन देना कहाँ तक जायज है? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।